करनाल में जिला पुलिस की ओर से लौह पुरुष भारत के पहले गृह मंत्री स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करनाल पुलिस की ओर से NDRI चौक पर एक पैदल मार्च निकाला गया, साथ ही जवानों ने एकता की शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम में करनाल रेंज के IG भारती अरोड़ा, जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन दिया और लौह पुरुष भारत के पहले गृह मंत्री स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही इस दौरान उन्होंने देश के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के लोग भी एकता दिवस की परेड देखने के लिए मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारती अरोड़ा IG रेंज करनाल यहाँ पहुंची, उनका स्वागत कर रहे हैं जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव और गंगाराम पुनिया। दोस्तों, मैं हूँ तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार। अगर मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूदा समय मौजूद हूँ NDRI के बिल्कुल गेट के बाहर। मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह के समारोह में कि करनाल पुलिस द्वारा एक मार्च पास निकाला जा रहा है। आप मेरे सामने कैमरे से देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जो अपना मार्च पास निकालते हैं। इससे पहले कि करनाल के उपायुक्त, करनाल के SP और करनाल की IG भारती अरोड़ा इससे पहले भी इससे पहले कार्यक्रम में अपना भागीदारी दे चुकी हैं। इससे पहले वो मंच पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से ये मार्च पर मौजूद है और हमारे कैमरे पर्सन सन्नी चौधरी किस तरह से इनको कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से राष्ट्रीय एकता दिवस है सरदार वल्लभ भाई जयंती के उपलक्ष्य में। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पुलिसकर्मी अपने मार्च पास को निकाल रहे हैं। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं किस तरह से राष्ट्रीय एकता का दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये आप बिल्कुल बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं कि हमारे कैमरा पर्सन आपको बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल दिखा रहे हैं किस तरह से करनाल पुलिस के कर्मचारी मार्च पास निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। इससे पहले मंच पर मौजूद हैं। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का काफी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। आज हमने यहाँ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया है और बहुत ही भव्य परेड हमारे जवानों ने की है और कोविड की वजह से हमने इसको बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किया है, पब्लिक को ज़्यादा हमने नहीं इनवाइट किया है। और लेकिन जो हम संदेश लेना चाहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से, वो लौह पुरुष थे और आज इतने सालों बाद भी पूरा देश उन्हें याद करता है। उन्होंने जो काम किए हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, उनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है और हम चाहते हैं कि उनकी से ही प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने देश के लिए ऐसे कर्म करें कि हमें भी देश याद रखें। शॉर्ट नोटिस था और फिर भी करनाल की पब्लिक ने पार्टिसिपेशन किया। जी हाँ, बहुत शॉर्ट नोटिस था, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा तरीके से अरेंज किया और पब्लिक ने भी पार्टिसिपेट किया और आप लोगों ने भी बड़े जोश से आप लोगों ने इसको कवर किया। किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी समाज को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे? प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयास करते हैं, देश के लोगों को इसी तरह प्रोग्राम करते हैं, उनको संदेश देते हैं और बहुत सारी हमारी सरकार की बहुत सारी
प्लानिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत हम तो करते हैं। ये थे हमारे साथ करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा जी। मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह के अवसर पर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यह मैम बता रहे थे। इनके साथ करनाल के पुलिस कप्तान श्री गंगाराम पूनिया जी और इसके अलावा डीसी निशांत कुमार यादव जी, जिन्होंने हमें विस्तार के बारे में विस्तार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के पूर्ण जीवन के बारे में बताया, किस तरह से उन्होंने रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया था, उनकी रियासतें भंग ना हों और लोग रियासतों में रहें और लोग रियासतों में रहें और रियासतें इकट्ठी रहें, जिस तरह से उन्होंने जो लोह पुरुष का काम किया था इसी तरह उनको लोह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। यही संज्ञान, यही वाक्य हमारे को करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने हमें विस्तार से बताया कि हमें भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इससे पहले भी करनाल के पुलिस कप्तान गंगाराम पूनिया जी और करनाल के डीसी श्री निशांत कुमार यादव जी भी उनके बारे में पूर्ण रूप से हमें बता चुके हैं कि किस तरह से हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो मैं भी करनाल समाचार एक्सप्रेस की तरफ से मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप उनके पद चिन्हों पर चलें। और जिस तरह से करनाल पुलिस ने आज मार्च पास किया है, उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना के चलते किस तरह से इसको थोड़ा सा इस कार्यक्रम को थोड़ा सा कम किया गया है, नहीं तो इससे पहले इनको मनाया जाता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते इस प्रोग्राम को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया गया है और इसको छोटा किया गया है या डेलीगेट किया गया है या इसको बताया गया है कि किस तरह से हमें कहना है या करना है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, मुख्य मकसद यह था कि लोह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके जो वक्तव्य थे, जो उनकी धारणा थी, जो उनकी प्रेरणा थी, उनसे पब्लिक को रूबरू कराना था। इसमें करनाल की पब्लिक ने और करनाल के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है। मैं इसके लिए समाचार एक्सप्रेस की तरफ से करनाल के संपूर्ण जनता को और करनाल के संपूर्ण प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं तरुणदास समाचार एक्सप्रेस के लिए सन्नी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। उनकी मजबूती और टफनेस की वजह से लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि उन्होंने पूरे देश को एक करने का काम किया, इसलिए इस दिवस का नाम एकता दिवस रखा गया, राष्ट्रीय एकता दिवस। हर साल रन फॉर यूनिटी सरकार जो है आयोजित करती थी, लेकिन इस बार कोविड होने की वजह से हेल्थ रीजन से, स्वास्थ्य कारणों से वो रद्द की गई। लेकिन आज हम एक छोटे से आयोजन में इकट्ठे हुए हैं और हम हमारी जो है श्रद्धांजलि और याद करेंगे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई। सर, जात पात की बात होती है, धर्म की बात होती है, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप किस तरीके से ये सब दूर करके सबको एकजुट मिलने का संदेश दे सकते हैं? देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनका जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS हैं, IPS हैं, एयर फोर्स सर्विस है, ये पूरे देश को एक एकता की कड़ी में बांधेंगे, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। ये ऑफिसर्स हम एक जगह ट्रेनिंग लेके और पूरे देश में जाएंगे तो सेम पॉलिसी जो है लगाएंगे और ये जात पात और इन बंधनों से ऊपर उठ के कार्य करेंगे। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो संदेश था, वो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं भारत की, वो अभी भी उसको लागू करने के लिए प्रयासरत है और हम लोग भी जिला प्रशासन के तौर पे ज़िले में और राज्य में इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ लागू कर रहे हैं। सर, आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम हो रहा है, करनाल की जो जनता है वो भी मौके पर मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहना है? उनसे यही कहना चाहेंगे कि जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो उनके जिस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत लाभ का ध्यान ना करते हुए, व्यक्तिगत हानि उठाते हुए भी देश के निर्माण में, देश की एकता में ज़्यादा उन्होंने जोर दिया, तो इसी प्रकार से हम व्यक्तिगत हितों की कुर्बानी दे करके राष्ट्र को एक बांध
रखने में हम अपना योगदान दें, जात पात से उठकर काम करें। आज हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मौके पर आ जाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि देश के अंदर चाहे कोई बाहरी ताकतें हैं जो इस देश को कमजोर करने का काम किसी भी रूप में करती है, उसके खिलाफ देश के सारे जितने भी निवासी हैं वो एकजुट रूप से खड़े हैं और ऐसी ताकतों को सफल नहीं होने देंगे। हमारी तरफ से जितना भी सकारात्मक योगदान चाहे हम किसी भी क्षेत्र में जितना भी बन पड़ता है लोग करेंगे और देश की जितनी भी हमारी चाहे सेनाएं हैं चाहे हमारी पुलिस है वो सभी इस मुहिम में लगी हुई है कि देश की जितनी भी बाहरी ताकतें या कोई भित्री ताकतों के रूप में भी कोई बढ़ने की कोशिश करता है जो देश को नुकसान पहुँचा सकता है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। स्पेशल पुलिस बैंड पहुँचा है सर यहाँ पर इस चीज़ का मैसेज देने के लिए। देखिए आज हमने मार्च पास्ट का आयोजन रखा है जो एक सांकेतिक रूप से हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी जो पुलिस है वो विरोध जो जितने भी विरोधी हैं या सामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ खड़ी है। जनता का भी सहयोग अच्छा मिल रहा है और इससे हम देश को एक सूत्र में बनाए रखने में कामयाब होंगे। करनाल की जनता को सर आते हैं कि तमाम पुलिस अधिकारी एकता की एक शपथ लेंगे जिसमें ये संकल्प लेंगे कि हम इस देश को एक सूत्र में बनाए रखने के लिए और देश की एकता को किसी प्रकार का खतरा ना पहुंचे उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देख सकते हैं करनाल पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मौके पर आप ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.